So hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are well. So today we are going to discuss about the new topic जो कि होने वाला है immigration के ऊपर. So आज मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ tips and tricks दूंगा जो कि आपके लिए बहुत beneficial हो सकती है अगर आपको कोई भी country का visa मिल चुका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कोई भी कंट्री का हो. अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो सबसे पहले लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो. सो अब बात करते हैं, आज बात करते हैं हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, दैट हाउ टू क्लियर अ इमिग्रेशन. इमिग्रेशन आप कैसे क्लियर कर सकते हैं. देखो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इजी बना देंगे. अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है वीडियो. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर ट्रैवल कर रहे हो या विजिटर वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं ड्यूरिंग द इमिग्रेशन. एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या क्या पूछ सकता है एयरपोर्ट पे, ये बहुत मेन है. क्योंकि वीज़ा मिल गया ये आपके लिए अच्छी बात है, बट अगर आपसे इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुई तो सब खेल ख़त्म हो जाएगा यहीं पे एयरपोर्ट पे, और फाइनली फिर आपको वो डिपोर्ट कर देंगे अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाए. सो इमिग्रेशन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को पूरा देखना. अगर आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम विजिटर वीज़ा के ऊपर. जैसे कि आपको पता है, बहुत लोग विजिटर वीज़ा पे एंटर हो रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज, चाहे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई भी कंट्री हो, बहुत विजिटर्स जा रहे हैं. और जैसे कि पता है, इस ट्रेंड के साथ साथ डिपोर्टेशंस के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. और वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर पा रहे. सो आज हम बताएंगे कि आप इमिग्रेशन कैसे क्लियर कर सकते हैं. सो जैसे आपको पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए. आपके पास आपकी आने की जाने की दोनों टिकट्स होनी चाहिए, और कितना टाइम स्टे कर रहे हो, किसके पास जा रहे हो, क्या क्या आपके प्लान्स हैं. देखिए, जैसे भी हम इंडिया में रहते हैं तो हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हमें पता होता है हम कहाँ कहाँ कितने दिन स्टे करेंगे और क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, वी नो ऑल दी थिंग्स. तो आप भी जा रहे हैं जहाँ भी, तो आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. अगर आप विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो, कौन कौन सी डेस्टिनेशंस पे विज़िट करोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, किस किस से मिलोगे, ये कोई भी क्वेश्चन इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है. क्योंकि आप घूमने आ रहे हो तो सिंपल सी बात है, वो पूछ सकता है कि आप कहाँ पे जाओगे. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप घूमने कहाँ जा रहे हो, देन देयर शुड बी अ रिस्क फॉर यू. अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आपके लिए रिस्क हो सकता है, और यही रिस्क आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है. तो इस रिस्क से बच के और इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना. आप इन चीज़ों के ऊपर पूरा क्लियर होने चाहिए, और आपको बिल्कुल भी वहाँ अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है और कॉन्फिडेंट रहना है. और कौन, दूसरी चीज़, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब आप अपना खर्चा खुद से कर रहे हो कि आपको फैमिली स्पॉन्सर कर रही है, आपका मतलब एयर फेयर्स कौन, रहने खाने का पीने का कहाँ से आएगा, वो सारा कुछ आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना पड़ सकता है. सो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना. और अगर आप तो स्टूडेंट वीज़ा वालों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अब मैं वो बता देता हूँ. सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके 12 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, मतलब सारे ही होने चाहिए जो जो आपको वहाँ कॉलेज में चाहिए, और जो जो आपके इंडिया के ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं. और आपको अपने कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपका कितने साल का कोर्स है, कौन सा कोर्स है, कोर्स का नाम पता होना चाहिए, कौन सा कॉलेज है, कॉलेज का नाम ही नहीं पता है तो भाई आपका क्या मतलब हो रहा है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ जा रहे हो. तो फर्स्ट थिंग इज़, आपको कॉलेज का नेम और कोर्स नेम, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तीसरी चीज़, आपका कॉलेज कितने टाइम का है, कितना टाइम ऑफ पीरियड, 2 साल का है, 3 साल का है. और जब भी आप एयरपोर्ट पे जाओ तो आपको कभी भी इमिग्रेशन ऑफिसर को ये नहीं कहना है कि मेरे यहाँ लॉन्ग टर्म रहूँगा या मेरा PR होने की, यहाँ PR होके मैं वापस चले जाऊँगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं बताना है. उसे कहना है सिंपली कि मैं खाली पढ़ने आया हूँ, 2 साल की मेरी पढ़ाई है और उसके बाद मैं वापस चले जाऊँगा. क्योंकि वो लोग पूछते हैं कि आपकी कोई इंटेंशन तो नहीं है यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने के लिए, तो आपको वहाँ पे मना करना है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है. सो वो ये भी पूछ सकता है, एक मेन चीज़ की आपकी फ़ीस कौन देगा. क्योंकि जैसे कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में लोग एक ही साल की फ़ीस भर के आते हैं,
तो आपसे ये भी चीज़ इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकते हैं कि आपकी फ़ीस कौन देगा नेक्स्ट ईयर की। सो ये भी चीज़ आपको कहनी है कि मेरी फैमिली मुझे स्पॉन्सर कर रही है और मेरी फैमिली ही सारे मेरे एक्सपेंसेस झेलेगी और मेरी फैमिली ही सारा कुछ भरेगी। तो ये चीज़ें बतानी है, ये नहीं बताना है उनको कि मैं यहाँ काम करूँगा और मैं खुद अर्न करके खुद ही पे करूँगा फ़ीस वगैरह। ये सब कुछ बोलना है कि मेरे पेरेंट्स बेयर करेंगे, जैसा कि पहले सेमेस्टर की भी दिया और सेकेंड सेमेस्टर की भी दिया और थर्ड फोर्थ की भी मेरी फैमिली ही देगी। ये चीज़ें उनको बोलनी हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखे हैं एयरपोर्ट पे घबरा जाते हैं और बता नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं डॉक्यूमेंट वगैरह और ये जो मैंने बताया इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो वर्क वीज़ा में आ रहे हैं उनके लिए तो जॉब स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपको जॉब लेटर होना चाहिए आपके पास, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए, मतलब सारे प्रूफ होने चाहिए आपके पास भी। सो इसके ऊपर अलग से बनाएंगे वर्क वीज़ा पे क्या क्या चाहिए होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।